और मेरे पास है LG की टीवी 55 इंच UHD। तो फ्रेंड्स ये इसका रिमोट, और मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इसमें माउस रहता है, तो अब वो माउस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं टीवी ऑन कर देता हूँ। ये टीवी हो गई ऑन। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें जूम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये आपका रिमोट, यहाँ पर एक तो सेटिंग का ऑप्शन बना है, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए पहले सेटिंग में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बगल में दिख रहा होगा आपको, ये आ गए है ऑप्शंस। आप सेटिंग में क्लिक कीजिए सबसे लास्ट वाले में। और फ्रेंड्स फिर आपको सबसे लास्ट वाले में ये कोने में, ये फ्रेंड्स ये है, आपको इसमें क्लिक करना है और ये पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, ये वाले में, और आपको इसको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स ये देखिए अब ये आ चुका है, ये सबसे छोटा वाला है माउस है, ये उससे बड़ा है, और ये क्रो वाला माउस है। आप इसको ओके कर देंगे, ये देखिए क्रो वाला माउस आ गया। आप इसको क्लिक कर देंगे, ये आपका ये वाला माउस आ गया। आप इसको कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा आप इसमें लाइव जूमिंग कैसे कर सकते हैं, शायद मेरे में हो जाए या फिर नहीं हो। तो ये यहाँ पास रिमोट में यहाँ पास एक रहता है लाइव जूमिंग का ऑप्शन है, मेरा कैमरा फोकस नहीं हो रहा, ये लाइव जूम का ऑप्शन है। अपन लोग इसमें क्लिक करेंगे, वो लिखा है स्टार्टिंग लाइव जूम, लाइव जूम स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स अभी क्या कहते हैं, यहाँ पास फोर्थ वाला जो ऑप्शन है अपना, आप इसमें क्लिक कर देंगे तो अब आप ये जो लगा है इसमें करने वाला, तो आप इससे कर सकते हैं कितना आपको जूम करना है, ये देखिए फ्रेंड्स। और आप इससे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये यहाँ पास ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। नहीं फ्रेंड्स ये मेरी टीवी अभी अपडेट हो गई, तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हट गया है इसमें, ये पॉज वाला ऑप्शन है, इससे अपन लोग पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था इस चैनल में, मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है टोटल गेमिंग, आप मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसमें जाइए और हम लोग के दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।